इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है। सबसे हैरानी वाली बात ये है कि इतने खूबसूरत मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। तो हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा यादव और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं सहस्त्रभाव मंदिर ग्वालियर का, जिसको गलत उच्चारण करते करते इसका नाम जो पड़ गया वो था शास्त्रभाव नाम पड़ गया, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम शास्त्रभाव मंदिर है। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ बैक के कैमरे से। आर्किटेक्चर की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। मंदिर का नाम है सहस्त्र भाव मंदिर, यानी कि हजार भुजाओं वाले विष्णु भगवान। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में ग्वालियर के राजा महिपाल के द्वारा करवाया गया था। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर, साथ में डिटेल में बात भी करते रहेंगे इस मंदिर के। हाँ, तो जो राजा थे महिपाल, वो कछवा वंश से आते थे और ग्वालियर के राजा थे। उनकी जो पत्नी थी वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि एक मंदिर बनवाया जाए विष्णु भगवान का। तो राजा ने अपनी रानी की इच्छा पूरी करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की दीवारों पर आप जगह जगह भगवान विष्णु की मूर्तियां देखेंगे, जो कि पत्थर में ही उकेरी गई हैं। मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस मंदिर में ऊपर तक चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो अभी मैं ऊपर आ चुकी हूँ। वो इसी का छोटा मंदिर है जो अभी हम देखने चलेंगे साथ में। तो अभी हम आ चुके हैं इधर और ये सीढ़ियाँ हैं। रहने तो मैं यहीं से कवर कर ले रही हूँ, मैं नहीं जा रही ऊपर। ये देखिए भगवान विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। एक फ्लोर चढ़ने के बाद मैं ऊपर नहीं चढ़ी क्योंकि सीढ़ियाँ थोड़ी पतली पतली थी, लेकिन मैं आपको इसका आर्किटेक्चर दिखा रही हूँ क्योंकि वास्तव में बहुत ही प्यारा है। मुझे व्यक्तिगत बहुत अच्छा लगा। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, इस मंदिर के चारों दिशाओं में चार गेट हैं, जिसमें से तीन अभी खुले हुए हैं और एक गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। इस मंदिर में आपको कोई भी मूर्ति देखने के लिए नहीं मिल रही है। मैंने जितना जाना समझा उस हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर जब और धर्म के शासकों के द्वारा शासन किया गया तो यहाँ से मूर्तियों को हटा दिया गया। आप यहाँ पर जो भगवान विष्णु की दीवारों पर मूर्ति देख रहे हैं उनको भी खंडित किया गया है। अब तक आपने जितने भी मंदिर देखे उन मंदिरों में सबसे प्यारा आर्किटेक्चर आपको किस मंदिर का लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हम छत से देख रहे हैं, ये छोटा मंदिर है, इसको भी अभी देखने चलेंगे। इसकी भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और यहाँ से आप ग्वालियर का एक खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखिए, मैंने आपको जैसा कि बोला था भगवान विष्णु की जगह जगह तस्वीरों को उकेरा गया है मंदिर में। तो अभी हम चलते हैं छोटे मंदिर की तरफ, जो कि अभी हम छत से देख रहे थे वहाँ से। तो इस वक्त हम छोटे मंदिर के पास आ चुके हैं, वो बड़ा मंदिर है। अब चलते हैं छोटे मंदिर के अंदर। आपको हर मंदिर के अंदर मूर्ति ज़रूर मिलेगी। मैंने आज तक ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा जिसके अंदर मूर्ति ना हो, लेकिन ये दो मंदिर ऐसे हैं जिसमें कोई भी मूर्ति नहीं है। इसीलिए सभी लोग जूते चप्पल पहन के अंदर चले जाते हैं। और ये जो मंदिर है ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये जो मंदिर है ये शिव जी का है, और वो वाला मंदिर जो था वो भगवान विष्णु का था। रानी की जो बहू थी वो शिव जी की भक्त थी, तो ये मंदिर जो रानी ने अपनी बहू के लिए बनवाया। दोनों मंदिर आसपास में ही हैं, दोनों सास बहू यहाँ पूजा करने आती थी, एक विष्णु की भक्त थी और एक शिव जी की। तो इसलिए कुछ लोग इस मंदिर को सास बहू मंदिर के नाम से भी जानने लग गए।
आई होप फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और पहले से किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।